गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं टिश्यू चैप्टर। क्लास नाइन्थ का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारी पूरी बॉडी किन किन सेल्स की बनी हुई है, किन किन कोशिकाओं यानी टिश्यूज की बनी हुई है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और साथ ही में प्लांट्स यानी प्लांट्स किन किन चीजों की बनी हुई है, किन किन टिश्यूज की बनी हुई है, उसके बारे में भी ओके चलो ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा टिश्यूज। सबसे पहले देखो टिश्यूज होता क्या है बेटा। कोई भी पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट या एनिमल्स हो, एक छोटी छोटी चीजों की, छोटा छोटा जो सबसे स्टार्टिंग वाला यूनिट होता है, इसको क्या बोला जाता है, सेल। सेल सेल सब जुड़ते जाते हैं तो फिर क्या बना देता है बेटा, फिर ये सेल सेल मिलके बना देते हैं टिश्यू, जिसे कोशिका भी कहते हैं। और टिश्यू टिश्यू जब है, सारे चीजें मिलके फिर बना देता है ऑर्गन। ऑर्गन जैसे हमारा हाथ है, पैर है, आंख है, ये सब ऑर्गन है। और सिर्फ ऑर्गन ऑर्गन मिलके बेटा बना देता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बन जाता है बेटा, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देता है, या तो ह्यूमंस या तो प्लांट्स, इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज बन जाते हैं। ठीक है, तो टिश्यूज बेटा मेनली दो तरह के हैं, एक है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। प्लांट यानी जो प्लांट्स का बना होता है, और एक एनिमल टिश्यू जो एनिमल्स का, एनिमल्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट होता है उसे एनिमल टिश्यूज कहा जाता है। इसमें से प्लांट टिश्यू जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो पढ़ने वाले हैं, नाम से ही पता लग रहा है परमानेंट होते हैं। ये परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, इसमें एक होता है बेटा सिंपल परमानेंट सिंपल टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ये सिंपल मतलब एकदम नॉर्मल इसकी बॉडी की संरचना होती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ेंगे जाइलम और फाइलम के बारे में, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यू में, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में प्राइमरी मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिवाइड होते हैं ये, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब ध्यान से देखो होता क्या है यहाँ पे, कि जैसे प्लांट्स का ये वाला पोर्शन ले लेते हैं हम, तो इसके इस पोर्शन को बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद ये साइड साइड वाले मेरिस्टेम्स को बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल ग्रोथ, और जो साइड साइड में होता है उसको बोला जाता है लेटरल लेटरल मेरिस्टेम। अब होता क्या है, इंटरकैलरी में जैसे अगर उंगली ले लोगे, तो उंगली में यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, और इसके बीच वाली जगह जो होती है इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम में सेल का डिवीजन होता है, तो दोनों के बीच में गैप भी बढ़ते जाता है। फॉर एग्जाम्पल गन्ना देखा होगा, जब गन्ने में भी ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे रिंग रिंग सा, ये अपनी उंगलियां देखो, इसमें भी ये दिखेंगी लाइनें। तो जब बच्चा छोटा होता है तो इन दोनों के बीच में स्पेस कम होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है इन दोनों के बीच में स्पेस भी बढ़ते जाता है। इसी तरह गन्ने में भी नोड और नोड के बीच में जो जगह है इंटरनोड, ये इसमें स्पेस जो होता है, स्पेस मतलब जगह, ये कम होती है। और जैसे जैसे गन्ना बड़ा होते जाएगा तो उन दोनों के बीच में स्पेस भी बड़ा होते जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम मतलब ये सबसे ऊपर वाला, अगर इसमें सेल का डिविजन होगा, अगर सेल डिवाइड होगा या सेल बटेगा, तो सेल फिर इसके ऊपर सेल, फिर इसके ऊपर सेल, फिर इसके ऊपर सेल, फिर इसके ऊपर सेल, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं इलॉन्गेशन। ठीक है, तो लेंथ बढ़ती है स्टेम की। और लेटरल वाले में अगर ये साइड साइड वाला, अगर इसमें सेल का डिवीजन हुआ तो इसमें भी बेटा ऐसे ऐसे सेल डिवाइड होते जाएगा, तो मतलब उस स्टेम का चौड़ाई बढ़ेगा। मतलब लेटरल वाला अगर मेरिस्टेम है उसमें सेल डिवाइड करेगा तो तने की, पेड़ के तने की या प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, मतलब गर्थ बढ़ता है। ठीक है, और इंटरकैलरी वाले में क्या है, नोड और नोड के बीच में, तो बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड के बीच में स्पेस बढ़ता है। ठीक है, मतलब नोड और नोड के बीच में जो स्पेस है वो चीजें बढ़ती हैं। तो तीनों का एक एक फंक्शन जो नोट दिए गए हैं उसमें से याद कर लेने हैं, ये बिल्कुल आ जाता है डायग्राम बनाने के लिए भी, एनसीईआरटी बुक में इसमें डायग्राम बना हुआ, तो बुक के राइट हैंड साइड में देखें एक अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, तो उस डायग्राम में ग्रीन कलर का डायग्राम होगा, तो वहां से उस चीज को पढ़ लेना है और एक एक फंक्शन याद करना है इनका। ओके, अब बात करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा।
पैरेन्काइमा का बेटा इसमें देखो पॉइंट कम से कम 3 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। तो पैरेन्काइमा जो है ये इसका शेप कैसा होता है, आकार ओवल होता है, ओवल मतलब समझते हो अंडाकार। उसके बाद ये इलांगेटेड होता है और पॉलीगोनल लिविंग होता है। और ये पैरेन्काइमा जो होता है बेटा ये पूरा सेल जो है पूरा सरफेस जो होता है वो बहुत ही पतला यानी थिन होता है, ठीक है। वहीं जो कोलेनकाइमा है ये इलांगेटेड होता है, लिविंग सेल्स होता है, इलांगेटेड मतलब लंबा लंबा। और इसका जो है मान लो कोई सरफेस है तो कोने कोने में तो थिकंड होगा मतलब चौड़ा होगा, मोटा होगा, हार्ड सेल्स का बना होगा, लेकिन अंदर जो होता है वो एकदम पतले स्किन का बना होता है, बलून जैसा एकदम, तो आराम से फट सकता है। लेकिन जो क्लेरेनकाइमा है ये लॉन्ग भी होता है, नैरो होता है और लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड मतलब ये किस चीज का बना होता है, डेड सेल्स का बना होता है। और वो कौन सा टिश्यू होता है, लिग्निन, लिग्निन, ठीक है। तो लिग्निन का बना होता है ये, तो ये लिग्निन जो है इसकी वजह से बहुत हार्ड होता है, ये थ्रू आउट द सर्फेस पूरा हार्ड होता है, तो इसलिए इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अगर मैं एग्जाम्पल नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो अमरूद खाओगे तो हमारी बॉडी में अमरूद डाइजेस्ट हो गया, हमें बहुत सारे विटामिंस देगा, मिनरल्स देगा, लेकिन उसके बीज वो बेकार है हमारी बॉडी के लिए। टमाटर में भी पूरा टमाटर हम खा लेंगे उसमें से बहुत सारा एनर्जी विटामिंस मिलेंगे, लेकिन उसके जो बीज है ये बैंगन के बीज वो किन चीजों किस चीज का बना है, स्क्लेरिड्स का बना है, यानी इसी स्क्लेरेनकाइमा का बना है। नारियल ले लो, नारियल में अंदर वाला पोर्शन हम खा लेते हैं लेकिन जो बाहर वाला पोर्शन है वो बहुत हार्ड लकड़ी लकड़ी जैसा लगता है, वो इतना हार्ड होता है, कितना हार्ड हार्ड है तुम देख के समझ सकते हो इस चीज को, वो किस चीज का बना होता है, इसी स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तो और वो टिश्यू कैसा है, डेड टिश्यू है। तो डेड टिश्यू का होने के कारण जो होता है हार्ड होता है थ्रू आउट द सर्फेस, पूरे सर्फेस पे वो हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर जैलम की बात करें, जैलम प्लांट्स में होता है और इसके काम क्या होता है, फर्स्ट से याद रखो फूड, फाइलम और जैलम। तो फाइलम जो होता है बेटा, फाइलम ये फर्स्ट से फूड, ये फूड प्लांट में फूड नीचे से ऊपर तक जो जाता है किसके थ्रू जाता है, फाइलम के थ्रू। और फूड के अलावा, खाने के अलावा क्या बच गया, वाटर और मिनरल्स। तो जो वाटर एंड मिनरल्स जो जाएगा प्लांट में ऊपर से नीचे वो किसके थ्रू जाएगा, जैलम के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो जैलम के थ्रू जाएगा, तो जैलम का काम क्या है, ये कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है। अब इसके 4 पार्ट्स कौन से होते हैं, इसका डायग्राम आ जाता है, इसका इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करोगे, बुक में बना हुआ है इसका डायग्राम। और जैलम के वहां जो डायग्राम बना होगा उसमें 3 ही लेबल्ड किए हुए हैं नाम, लेकिन अगर थ्योरी में पूछ रहे हैं तो 4 नाम तुमको याद होने चाहिए। वहां पे उस डायग्राम में तुमको क्या नहीं मिलेगा देखने के लिए, ये जैलम फाइबर नहीं मिलेगा, बाकी डायग्राम में ये तीनों चीजें बनी हुई हैं, ट्रकीड, वेसल और जैलम पैरेन्काइमा, ये तीनों चीजें डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है। और अगर फाइलम की बात करें तो फाइलम के डायग्राम में सारी चीजें बनी हुई है। तो फाइलम में 4 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फॉलम फाइबर और फॉलम पैरेन्काइमा। तो ये चारों चीजें जो है ये अक्सर पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से, और सबसे ज्यादा आने के चांसेस है जाइलम, पैरेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा में डिफरेंस। उसके बाद ध्यान दो बेटा, उसके बाद ये जो पैरेन्काइमा दिख रहा है तुमको, पूछ लेते हैं 2 टाइप के पैरेन्काइमा। तो 2 टाइप के पैरेन्काइमा कौन कौन से होते हैं, एक होता है एरेन्काइमा, एरेन मतलब सेल और सेल के बीच में हवा भरा रहता है, जिससे जो है जो वाटर वाले प्लांट है जैसे लोटस वाला, कमल वाला, उसके पत्ते जो है पानी में डूबते नहीं है, हवा पानी के ऊपर रहते हैं, क्योंकि सेल और सेल के बीच में हवा बहुत है जिससे बायोएंसी मिलती है, तो यानी पानी में वो डूबने नहीं देता उसको, तो क्योंकि वो किस सेल्स के बने हुए हैं, एरेन्काइमा के। और दूसरा होता है कोलेनकाइमा, यानी जिसके वजह से ग्रीन इन कलर होते हैं प्लांट। तो वो दोनों किस में पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको याद रखना है। अब बात करते हैं बेटा, एनिमल में कुछ सेल्स है अलग अलग जगह पे उसके शेप के अकॉर्डिंगली, जैसे उसका आकार है उस आकार के अकॉर्डिंगली उसके नामकरण कर दिए गए हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। नर्वस वाला कहां मिलेगा बेटा, ब्रेन में, न्यूरॉन सेल्स कहा जाता है। मस्कुलर वाला नाम से ही पता लग रहा है, मसल्स में, बॉडी का मसल्स में, किसी की बॉडी होती है ना मसल्स अच्छे किसी की काम, वो वहां पे मस्कुलर टिश्यू होता है। और उसके बाद ये ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारी चीजें कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं।
तो कनेक्टिव टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेटा एपिथेलियल टिश्यू, इसलिए स्क्वैमस होती है, मतलब चार तरह की होती है ये। स्क्वैमस मतलब स्क्वायर शेप, स्क्वायर मतलब समझते हो वर्ग, तो अगर वर्गाकार अगर आकार है, स्क्वायर शेप है, तो उसको बोल देंगे स्क्वैमस। अगर क्यूबॉइड घनाभ जिसे कहते हैं, अगर वैसा शेप है तो उसको बोल देंगे क्यूबॉइडल। कॉलमनार अगर कॉलम कॉलम सा ऊपर से लेके नीचे तक लंबा लंबा सा है और वो सिलिएटेड है, थोड़ा थोड़ा धागे जैसा निकला होता है, तो उसको बोल देते हैं कॉलमनार एंड सिलिएटेड। और ग्लैंडुलर, ये नाम से ही पता लग रहा है, कहां मिलेंगे ग्लैंड्स में, कौन सा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि कहां पड़ा था बचपन में, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, वहां सब जगह मिलेगा ग्लैंडुलर टिश्यू। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो कौन सा चीज कहां पाया जाता है। सबसे पहले मेरिस्मैटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो मेरिस्मैटिक टिश्यू जो होता है ये कहां पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिंपल लिविंग टिश्यू है बेटा, इसका वॉल जो होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, इमैच्योर सेल्स। और ये मेन फीचर मेरिस्मैटिक टिश्यूज का कौन सा है, इसकी सेल वॉल बहुत पतली सी होती है, थिन प्राइमरी सेल्स। इंटरसेलुलर स्पेस, यानी सेल और सेल के बीच में स्पेस होता ही नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मतलब पास पास है एकदम, तो बीच में स्पेस ही नहीं होता, एक कोशिका और दूसरे कोशिका, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में स्पेस नहीं होता, दोनों पास पास में है। इसीलिए ब्रैक्यूल्स जो है इसमें एब्सेंट होता है, छेद नहीं होता है इसमें, ठीक है। साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया है काफी गाढ़ा गाढ़ा था या डेंस होता है। लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स किसको कहा जाता है, सेल के जो पार्ट्स है उसी को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, इसमें सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस और न्यूक्लियस, केंद्र जिसे कहा जाता है। तो सेल के जितने भी अंदर में जो चीजें भी मिलती हैं, उन सबको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट होता है और स्टोर जो फूड है वो एब्सेंट होता है, फूड स्टोर नहीं होता इसके अंदर। एक्टिवली सेल डिवाइड होते रहते हैं, जिसके वजह से प्लांट का रूट बढ़ता है और शूट बढ़ता है, यानी जड़ें भी बढ़ती हैं और ऊपर वाला तना भी बढ़ता है, ठीक है। अब है प्राइमरी, इसको कहते हैं प्रो मेरिस्टेम। प्राइमरी वाला जो होता है बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये डिराइव हुआ था डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रॉयो। एम्ब्रॉयो से डायरेक्टली जो मेरिस्टेम ग्रो होता है, ये जो बना होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम का बना होता है, प्रो मेरिस्टेम। ये ऐड करता है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी स्टार्टिंग में जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ये परमानेंट टिश्यू होता है, तो परमानेंट सेकेंडरी टिश्यू है, यानी इसमें जो सेल्स होता है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से ही बनता है। पहले जैसे हमारे हम जैसे बच्चा बड़ा होता है छोटा सा, सबसे पहले क्या होता है, धीरे धीरे एम्ब्रॉयो तैयार होता है, फिर उसके हाथ पैर आंख आने शुरू होते हैं, तो हम बोलते हैं फीटस बन गया। तो प्लांट में भी ऐसे ही होता है, पहले छोटा सा पोर्शन होता है, फिर धीरे धीरे उसमें से स्टेम्स निकलना शुरू होता है, फिर फ्लावर, रूट, फिर उसके सारे पार्ट आने शुरू हो जाते हैं, उस ग्रोथ को बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। अब उसमें तीन पार्ट पोर्शन कौन से थे, एक था एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। लेटरल मतलब साइड वाला मेरिस्टेम। अगर ये अगर इसमें सेल डिवाइड होगा तो क्या बढ़ेगा, गर्थ। गर्थ मतलब क्या होता है बेटा, चौड़ाई, चौड़ाई प्लांट का बढ़ेगा साइड साइड में, अगर सेल डिवाइड होते रहेगा तो। ऊपर वाले में एपिकल मेरिस्टेम में यहां पे अगर सेल डिवाइड होगा तो क्या बढ़ेगा, इसका लेंथ या लंबाई बढ़ेगी, इलॉन्गेशन के काम में आएगा। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यहां सेल डिवाइड होगा तो नोड और नोड के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो तीनों का एक एक फंक्शन पूछ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इनका फंक्शन, एपिकल मेरिस्टेम जो बताया तो एक एक फंक्शन जरूर पढ़ लेना है जो अभी बताया, ये तीनों ही एक एक फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू का। ये परमानेंट टिश्यू बेटा उन सेल्स के बने होते हैं जो कि फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकते, उसको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट है, ना ही ये बड़े होंगे ना ही इनमें सेल डिवाइड होगा। तो इसमें जो है इनका साइज जो है एंड शेप ये सब कुछ फिक्स होता है। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है ये डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, परमानेंट टिश्यू को बेटा किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल वाले जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, सिंपल ये सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं,
जो कि जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और काम भी सेम होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू ये वो टिश्यू है जो प्राइमरीली जो है प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करना इनका फंक्शन होता है। ये किस चीज का बना होता है? एपिडर्मिस। क्यूटिकल जो है बहुत थिक होता है जीरो फाइट्स में। जीरो फाइट्स का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान वाले प्लांट्स, रेगिस्तान वाले प्लांट्स को क्या बोला जाता है कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कैक्टस वैक्टस हो गया, ये कैक्टस वाले प्लांट जो है कांटेदार जो रेगिस्तान में मिलते हैं उनको बोला जाता है जीरो फाइट्स। तो सबको पता है जीरो फाइट में जो कैक्टस होता है तो ऊपर वाले ने क्या किया है, अब कोई उनको जाके रेगिस्तान में पानी तो देने जा नहीं रहा है, तो उनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो वो जमीन के अंदर से पानी खींच लेता है, और जो लीव्स है ट्रांसपिरेशन कम हो यानी वाष्पोत्सर्जन कम हो यानी प्लांट जो वाटर लूज करते हैं वेपर्स के फॉर्म में, तो उनके जो लीव्स है वो किस में चेंज हो गए हैं? स्पाइंस एंड थॉर्न्स में चेंज हो गए हैं, यानी कांटेदार हो गए हैं, जिसकी वजह से वो पानी ज्यादा लूज ना करे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। उसके बाद लोकेशन अक्सर पूछ किया जाता है एग्जाम में कि कौन सा टिश्यूज कहाँ पाया जाता है इस सेल्स में। पैरेन्काइमा जो होता है बेटा फंडामेंटल टिश्यू है, फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइटा में दिखा था। इसकी सेल वॉल कैसी होती है? पतली पतली होती है। शेप कैसा होता है? ओवल और स्फेरिकल भी होता है कहीं कहीं देखने में। सेल वॉल मेनली किस चीज का बना होता है? ये कई बार पूछ लेते हैं पैरेन्काइमा का, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है फूड और वाटर स्टोरेज के लिए। प्राइमरी फंक्शन इस पैरेन्काइमा का क्या है? अगर कोई फंक्शन पूछे, फंक्शन मतलब होता है काम क्या है इसका, तो ये काम आता है फूड के स्टोरेज के लिए। कौन? पैरेन्काइमा। ठीक है, और पैरेन्काइमा कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं दो इसके? एक हो गया क्लोरेन्काइमा जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, और एक हो गया एरेन्काइमा जो कि बायोएंसी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो लीव्स है वो पानी में डूबे नहीं। ठीक है, तो ये दोनों एक एक फंक्शन याद कर लेना है और कुछ नहीं। ओके, उसके बाद बात करते हैं कॉलेनकाइमा की। देखो कॉलेनकाइमा जो होता है ये सिर्फ कोने कोने में थिकंड होता है, कोने कोने में चौड़ा होता है, बीच में पतला थिन होता है। ओके, ये जो होता है किस चीज का बना होता है? सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है, और ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? ये इसका फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट जो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि उसके अंदर वो किन टिश्यू का बना हुआ है? कॉलेनकाइमा का बना हुआ है, तो इजिली बेंड हो जाता है, और ये प्रेजेंट होता है हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम में। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेंगे कि कहां प्रेजेंट होता है, तो डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है, और लीव्स में पतली पतली जो लीव्स है उसके मार्जिन में। इसका मतलब समझते हो? देखो यहां पे कि अगर ये लीव है तो ये लीव का इस पोर्शन में प्रेजेंट होता है, इधर सिर्फ इतने पोर्शन में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा सिर्फ लीव के कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद कुछ क्लोरोप्लास्ट जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा का। ये है स्ट्रेटनिंग टिश्यू या हार्ड टिश्यू या डेड सेल्स का बना हुआ, ठीक है, टिश्यू। तो इसमें क्या होता है? थिक लिग्निफाइड वॉल्स होता है, मतलब उसकी वॉल्स किस चीज की बनी होती है? लिग्निन। ठीक है, याद रखना है इसको, लिग्निन की बनी होती है। सेल्स डेड टिश्यू के बने होते हैं। लिग्निन जो है बेटा वो वाटर प्रूफ मटेरियल है, तो वाटर प्रूफ है तो पानी में डूबने भी नहीं देगा ये। ओके, उसके बाद इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तभी तो वो बहुत हार्ड होते हैं। इसीलिए ये स्क्लेरिड्स को बेटा, जो सेल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको ग्रिड सेल्स या स्टोन सेल्स भी कहते हैं। बोलते हैं ना टमाटर नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, अमरूद नहीं खाना चाहिए जिनको पथरी हो, क्योंकि ये स्क्लेरिड्स के बने होते हैं तो हमारा जो सिस्टम है इसको पचा नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं उन चीजों को नहीं खाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। पर ये है कि स्टोन अगर की प्रॉब्लम है उसके बाद नहीं खाना चाहिए, उसके पहले तो आप खा सकते हो जितना मर्जी। ठीक है, उसके बाद स्मॉल सेल्स, उसके बाद ड्रूप फ्रूट यानी मैंगो कोकोनट वॉलनट लेग्यूनस सीड सब में पाया जाता है ये। ओके, स्क्लेरिड्स जो होता है जिसके भी छिलके वाले चीजें हैं उनमें पाया जाता है ये, जो कि डेड सेल्स का बना होता है जितने भी जिनके भी है। अच्छा, अब ये फाइबर जो होता है फाइबर्स में लिग्निफाइड सेल्स के बने होते हैं। ल्यूमन यानी छेद इनका बहुत बड़ा ज्यादा लंबा होता है, लगभग 1 से 3 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। ओके, उसके बाद पैरेन्काइमा
कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों चीजें अगर होगी तो अब बात करते हैं तीनों चीजों में से कोई भी, ये इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो इसमें से कोई भी 5 डिफरेंसेस जो तुमको याद हो सके वो याद कर लेना है, और कोशिश करना इस पॉइंट को नहीं छोड़ना फंक्शन, क्योंकि फंक्शन लिखोगे तो पॉइंट अच्छा लगेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। उसके बाद वैक्यूल्स किसमें प्रेजेंट होता है, छेद किसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। पैरेन्काइमा में बहुत लार्ज वैक्यूल होता है, कोलेनकाइमा में थोड़ा कम होता है, और स्क्लेरेनकाइमा में तो होता ही नहीं है। साइटोप्लाज्म इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, इसमें तो एब्सेंटी होता है। तो सेल वॉल किस चीज का बना होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निफाइड यानी लिग्निन प्रोटीन का बना होता है, इसमें भी उसी का बना रहता है, तो इसका भी एक एक पॉइंट आप याद कर लोगे, मतलब जिनमें से जितने पॉइंट है, 8 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स याद कर लेना है, ताकि और कहीं से भी इस चीज को करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से क्वेश्चन, ओके। उसके बाद बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ये इसका डायग्राम है, इसमें से आपको बस याद रखना है इसके 4 पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर, ये फ्लोएम फाइबर का है, तो फ्लोएम का भी ये 4 पार्ट है जो कि याद रखना है, ये इसका भी डायग्राम आ जाता है, या इसका कंपोनेंट पूछ लेते हैं कि फ्लोएम में 4 पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंसेस भी याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू या एनिमल वाले टिश्यूज, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं एपिथेलियल टिश्यू जो पूरा करने वाले हैं आप एनिमल टिश्यूज के बारे में, प्लांट्स का ओवर हो चुका है। एनिमल टिश्यू में बेटा एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नर्वस मतलब ब्रेन वाला टिश्यू, मस्कुलर यानी मसल्स वाला, मांसपेशियां वाला, कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड में जो प्रेजेंट होता है या हमारी हड्डियों में। एपिथेलियल टिश्यू ये बहुत जगह प्रेजेंट होता है, इसके शेप के अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पाया जाता है, तो इसकी लोकेशन पूछ लेते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 जब ओपन करोगे तो उसमें पोजीशन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11, दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में 100% आता है, ओके। तो इसकी में इसके जो स्क्वायर शेप का होगा उसको स्क्वैमस बोला जाता है, क्यूबॉइड शेप का होगा उसको क्यूबॉइडल, कॉलम में जो होगा उसको कॉलमना, उसके बाद जो जिसमें थोड़े थोड़े सीलिया सा धागे जैसा निकला होता है उसको सीलिएटेड कहते हैं, और जो ग्लैंड में प्रेजेंट होता है ग्लैंडुलर, ओके। हमारा जो ब्लड है वो क्या है, गीला गीला, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, बोन एंड कार्टिलेज के बारे में बात करूं तो बोन क्या है, हार्ड होता है ना, और कार्टिलेज जो होता है कहां पाया जाता है, नाक की हड्डी, कान की हड्डी, ये सब किस चीज का बना है, बोन नहीं है ये, कार्टिलेज है। बोन जो है हड्डी वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का बना होता है, और कार्टिलेज जो है वो इलास्टिन फाइबर का बना होता है, इसलिए जो है इसमें जब छेद करते हैं तो ज्यादा पेन नहीं होता है। ब्लड और लिम्फ, ब्लड तो रेड रेड कलर का होता है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, और लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जानते हो, हमारे सेल और सेल के बीच में एक येल्लो कलर का लिक्विड हमेशा फ्लो होता है हमारी बॉडी में, उसी को लिम्फ कहते हैं, जिसके अंदर वाटर भी होता है, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस और भी चीजें होती हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देती, मतलब कीटाणु नहीं जन्म लेते हैं हमारे बॉडी में अंदर कहीं पे भी। और अगर ये लिम्फ कहीं सूख जाता है, तो कहीं सुना होगा कि कान में कीड़ा निकला, इतना बड़ा निकला कीड़ा, तो वो क्या होता है, क्योंकि उनके बॉडी के उस पार्ट में लिम्फ सूख जाता है, तो अगर लिम्फ सूख गया है तो कीटाणु वटाणु कोई भी ग्रो कर सकते हैं, वायरस बैक्टीरिया कुछ भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो उसकी किलिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिम्फ, इसमें 95% वाटर होता है, ठीक है, पानी। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है जानते हो बेटा, टेंडन ये एरियोलर टिश्यू में आता है, टेंडन और लिगामेंट, लिगामेंट मतलब एक बोन को हड्डी को दूसरे हड्डी से जो जोड़ के रखता है उसको लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, एक हाथ के इस पोर्शन को और ऊपर वाले पोर्शन को जो जोड़ के रखता है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। हमारे घुटने में 14 लिगामेंट होती है, ठीक है, तो वो लिगामेंट है, और ऊपर क्या है हमारे स्किन है, और नीचे क्या है हड्डी, तो स्किन और हड्डी को भी कोई ना कोई चीज चिपका के रखती होगी, है ना, जोड़ के रखती होगी, उस चीज को क्या बोलते हैं, टेंडन, टेंडन कहा जाता है। अगर तुम अपने हाथ को ऐसे करके रखोगे एक हफ्ता, उसके बाद सीधा करके देखना, होगा नहीं,
क्योंकि टेंडन ग्रो हो जाता है, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज कर करके कर करके कर करके कर करके फिर उस टेंडन को हटाया जाता है। इसी तरह पैर का ऑपरेशन होता है तो वैसे ही रहेगा, डॉक्टर बोलता है एक्सरसाइज करो, फिर धीरे 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 एक्सरसाइज करते 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 फिर वो टेंडन खत्म हो जाता है, तो एक तरह से लॉक कर देता है वो हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी भी जो है बेटा इज जस्ट लाइक ए मशीन, काम नहीं करते रहेंगे तो वो जाम हो जाती है। ठीक है, तो जाम ना हो तो इसलिए बॉडी को हमेशा मूव करते रहना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा उसके बाद बेटा कौन सी चीजें कहां प्रेजेंट होती हैं इसके लिए जरूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड में चार चीजें हैं, आरबीसी, नाम से ही पता लग रहा है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल जो है, पूछ लेते हैं ऐसा क्या चीज है हमारे ब्लड में जिसकी वजह से लाल है वो कलर में। हेमोग्लोबिन, स्पेलिंग याद होनी चाहिए तुम्हें, HAEMOGLOBIN, हेमोग्लोबिन। उसका काम क्या होता है बेटा, वो कैरी करता है ऑक्सीजन और हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है किसका, ऑक्सीजन का, तो आरबीसी उसमें हेल्प करता है। बाहर से कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो उससे लड़ने की जो ताकत देता है वो कौन देता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का वो काम होता है ब्लड। और उसके बाद है प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम क्या होता है, जब कभी भी चोट लग जाता है, देखते हो खून निकलने लग जाता है, थोड़ी देर बाद वो खून का थक्का बन जाता है यानी क्लॉटिंग हो जाती है। वो क्लॉटिंग किस वजह से होती है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, क्लॉट, प्लेटलेट। ठीक है, तो प्लेटलेट के होने की वजह से वो जम जाता है। जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तब बताया जाएगा कि क्लॉट बने इसके लिए बॉडी में एक तो प्लेटलेट का होना बहुत जरूरी है, दूसरा कैल्शियम का होना जरूरी है, तीसरा प्रोथ्रॉम्बिन का होना जरूरी है, एंड फोर्थ थ्रोम्बोप्लास्टिन का होना जरूरी है। पर अभी सिर्फ याद रखना है प्लेटलेट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ठीक है, और अगर मूड कर गया तुम्हारा तो तुम साथ में कैल्शियम को भी मेंशन कर सकते हो। ओके, और उसके बाद प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, 55% पार्ट जो है ब्लड का वो प्लाज्मा है। इसमें 90% लगभग वाटर है, 7% प्रोटीन है और 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन है जो कि, और कॉर्पसल्स जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये हमारे ब्लड का 45% बनाता है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्लड में डब्ल्यूबीसी जब चेक कराने जाओगे बेटा तो उसके अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सारे चीजें होती हैं एक पर्टिकुलर परसेंटेज में। तो कभी भी अपना ब्लड रिपोर्ट लोगे तो ये चीजें तुमको वहां देखने को मिलेंगी। मोनोसाइट 0 to 2% होता है, इसीलिए सभी चीजों का परसेंटेज एक अलग अलग चीज होता है। इस इओसिनोफिल से डरना नहीं, ये इओसिनोफिल्स किसको कह दिया गया है, एसिडोफिल्स को, जो एसिडोफिल्स होता है उसी का दूसरा नाम है इओसिनोफिल्स। ठीक है, नाम से पता लग रहा है ना, बेसोफिल्स यानी कुछ बेस वाली चीज है, इओसिनोफिल्स यानी कुछ एसिड वाली चीज भी है, न्यूट्रोफिल्स मतलब कुछ न्यूट्रल वाली चीज भी है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं, जो कि तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है ब्लड टाइप के लिए। ओके, उसके बाद बोन, मैट्रिक्स ऑफ बोन बहुत हार्ड होता है क्योंकि बोन में हड्डियों किस चीज की बनी होती है बेटा, कैल्शियम फोस्फेट की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट यानी Ca3PO4 3। ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट, तो कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का +2, फोस्फेट ग्रुप का, फोस्फेट ग्रुप का -2। ठीक है, फोस्फेट का -2 की -3, तो ये क्या हो जाता है Ca3, तो Ca3 और PO4 कितना है, ट्वाइस, तो PO4 ट्वाइस कैल्शियम फोस्फेट, इस चीज का हमारा हड्डी बना होता है। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी का कौन सा है, थाई बोन, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, जांघ की हड्डी या फेमुर बोन। सबसे छोटी हड्डी हमारी पूरी बॉडी में कहां पाई जाती है, कान में, उसका नाम क्या है बेटा, स्टेप बोन, STAPE, जिसका दूसरा नाम है स्टेरप बोन। ठीक है, ओके, अब उसके बाद ये तीनों में डिफरेंस भी आता है, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नंबर 6 या 8 हो, एक डिफरेंस पूछते हैं कार्डियक मसल, स्ट्राइटेड मसल, स्केलेटल मसल वाला,
सबसे इंपॉर्टेंट है वो, ये तो कार्टिलेज एंड बोन में डिफरेंस आ जाएगा, या मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल, स्ट्राइटेड मसल, इनमें डिफरेंस आ जाएगा। एक टर्म होता है वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है बेटा, अपनी इच्छा से कंट्रोल हो, अपनी इच्छा से हम मूव कर सकते हैं, यानी लेग और हैंड, वो वॉलेंट्री मसल्स, और जिसपे अपना कंट्रोल नहीं होता वो इनवॉलेंट्री मसल्स, जिसपे जो अपनी इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर चेक करोगे स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, इसी की पढ़ाई को कहा जाता है। टिश्यूज के बारे में पढ़ोगे तो हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। इसमें ये देखो स्ट्रैटेड मसल जो होता है, मस्कुलर टिश्यू, इसका क्या है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, ये मसल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो है तीन टाइप है इसका, इसमें डिफरेंस आता है। स्ट्रैटेड मसल जो है वो स्केलेटल मसल्स को कहते हैं, और ये कैसा होता है, वॉलेंट्री मसल्स होता है, मतलब इनका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये डार्क और लाइट बैंड बनाते हैं। जबकि अनस्ट्रैटेड मसल जो है ये कैसा होता है, स्मूथ होता है और इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, अनस्ट्रैटेड वाला इनवॉलेंट्री होता है। तीन पॉइंट लाइन से दिए गए हैं, इसको यहां से याद कर लेना। ये कॉमनली इसको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है, इसमें कोई भी डार्क और लाइट बैंड नहीं प्रेजेंट होता। और ये कहां पाया जाता है, यूट्रस में, आइज के इरीज में, और ये स्पिंडल शेप का होता है और इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। इनवॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से होते रहता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता इस पर। दिल की धड़कने वो भी अपने आप होते रहती हैं, हमारे इच्छा से नहीं होती, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है, तो कार्डियक मसल जो होता है क्या, हम कार्डियक मतलब हार्ट वाला, दिल वाला मसल, तो इस पे भी हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हार्ट मसल को ही कार्डियक मसल कहा जाता है। कैसा शेप होता है इसका, सिलेंड्रिकल होता है और ब्रांच होता है और एक ही न्यूक्लियस होता है, मतलब इसको बोला जाता है यूनि न्यूक्लियस। पूरा का पूरा देखोगे हार्ट का मसल एक ही तरह के मसल से बना होता है। ठीक है, कार्डियक मसल से। नर्वस टिश्यू ब्रेन वाला टिश्यू होता है, इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सेल बॉडी, इसका डायग्राम आ जाता है, चैप्टर के एंड में देखोगे एक डायग्राम बना होगा न्यूरॉन का, ये डायग्राम आ जाता है बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्वस टिश्यू वाला, उसमें डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व का एंडिंग, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, ये सारा मेंशन करोगे। फाइव लेवल पार्ट किसका है, ये न्यूरॉन का। ठीक है, न्यूरॉन जो है इसका डायग्राम भी आ जाता है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में डायग्राम, किसका डायग्राम जो है वो न्यूरॉन का जरूर बना के प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें से ये आता है डायग्राम। उसके बाद जाइलम वाला टिश्यू या फिर फॉइलम वाला आ जाएगा। बस ये तीन ही डायग्राम आते हैं बड़ा इस चैप्टर में से, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन कौन सा आएगा, जाइलम या फाइलम में, ये कौन कौन सा आएगा बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैरेन्काइमा के दो टाइप्स बताओ, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। और क्या पूछा जाता है, फैट टिश्यू, कौन से टिश्यू को बोला जाता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यू होता है, जो कि जो भी वाटर वाले प्लांट्स होते हैं उनके सेल में प्रेजेंट होता है बेटा, ताकि पानी में वो डूबे नहीं पत्ते, तो उनके जो पत्तों में जो टिश्यू पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। तो याद रखना है एडिपोज टिश्यू। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं।